अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम पहले ना मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सल्फर फ्री शैम्पू को रेगुलर शैम्पू से कंपेयर किया था। उस वीडियो के बाद ना मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सनान सबसे बेस्ट सल्फर फ्री शैम्पू कौन सा है, मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल है, तुम क्या यूज़ करते हो और आप लोग के लिए मुझे क्या रिकमेंड करना चाहिए। तो मैंने बोला जितने भी मैंने शैम्पूज यूज़ किए हैं SLS फ्री सल्फेट फ्री जो भी शैम्पू यूज़ किए हैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्या पता आपकी भी हेल्प हो जाए। सबसे पहला सल्फर फ्री शैम्पू मैंने यूज़ किया था वो था आर्गन ऑयल का शैम्पू। इसका शैम्पू और कंडीशनर ना मैंने दोनों यूज़ किए हुए हैं। अब ये मुझे अराउंड उस वक्त एक साल पहले कॉस्ट किया था 1500 या 1600 का और मुझे इसका शैम्पू जो है वो अच्छा लगा था और कंडीशनर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया था, मुझे वो फील जो है ना वो कंडीशनर से नहीं आई थी। अब शैम्पू का जो वॉश था दैट वॉज रियली गुड। अब ये बात आप लोग समझ लें कि जितने भी आपके SLS फ्री शैम्पूज होते हैं ना उनकी इतनी झाग नहीं बनती जो आपके रेगुलर शैम्पूज की झाग होती है, लेकिन स्टिल दिस शैम्पू डिड रियली गुड जॉब। मतलब मेरे बाल में जो ऑयल थी डर्ट थी वो सब निकाल देता था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बेहतर फील हुई वो ये थी कि आफ्टर पोस्ट वॉश अब शैम्पू निकालने के बाद मेरे बाल फ्रिजी नहीं हुए, बाल ड्राई नहीं हुए जो मुझे पहले एक्सपीरियंस करना पड़ता था जब मैं डव के शैम्पू यूज़ कर रहा था, सनसिल्क के शैम्पू यूज़ कर रहा था। लेकिन इस शैम्पू में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी कि मैं बोलता है मुझे इस शैम्पू के साथ स्ट्रिक करना है, मैं अब आगे कोई और शैम्पू यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मुझे इस बात का पता चल गया था कि मेरे हेयर टाइप के लिए मेरे अपने पर्सनली मुझे अपने ऊपर चाहिए और सल्फेट फ्री शैम्पू ट्राई करने चाहिए। और इसके बाद फिर मैं मूव ऑन किया, तलाश में निकला और सल्फेट फ्री शैम्पूज के और क्या मार्केट में अवेलेबल है, और फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिला था OGX का ब्रांड। वेरी थोड़ा महंगा ब्रांड है क्योंकि आपको उसका शैम्पू कंडीशनर ईच 1500 का पड़ते हैं, और क्योंकि आजकल डॉलर के हमारे रेट भी बढ़ गए और ये इंपोर्टेड सारी चीज़ें होती हैं तो इसके भी रेट्स हो सकता है ऊपर नीचे हो गए। लेकिन यार आई थिंक फॉर द क्वालिटी द प्राइस इज जस्टिफाइड क्योंकि मैंने इसे इतना शैम्पू से अच्छा कंडीशनर यूज़ नहीं किया हुआ। मतलब इसकी शैम्पू की वॉश की फील इतनी अच्छी होती है, मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं कुछ SLS फ्री यूज़ कर रहा हूँ। द स्मेल इज ग्रेट, द वॉश इटसेल्फ इज ग्रेट, मतलब जो भी ऑयल डेट वगैरह निकलते हैं, और पोस्ट वॉश एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। मतलब मेरे बालों में फ्रिज नहीं होता, ड्राइनेस नहीं होती, मेरे बाल पहले थोड़ा जो हेयर फॉल वगैरह और था वो भी कम हुआ। मतलब और कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करने के बाद ना आई फेल्ट कि यार मेरे बाल थोड़े स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, शाइनियर हो रहे हैं, हेल्दियर हो रहे हैं, कोई ड्राइनेस वगैरह का मसला नहीं हो रहा। और इससे पहले जितने भी मैंने शैम्पू यूज़ किए थे आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शैम्पूज आई ट्राइड। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, एक दफ़ा मेरे पापा मेरे वॉशरूम में नहा रहे थे एंड ही ट्राइड माई शैम्पू, उनको अच्छा लगा, मेरे भाई ने यूज़ किया उसको अच्छा लगा, और मेरी पूरी फैमिली अब ऑलमोस्ट OGX के शैम्पूज ही यूज़ करती है। एंड आई नो कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है आपके नॉर्मल रेगुलर शैम्पूज और कंडीशनर से, लेकिन यार आपके बाल से ज़्यादा ना और कोई चीज़ कीमती नहीं होती, आपके बाल आपके सर पर रहें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो हेल्दी रहें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये आपको एक शेक बात बोल रहा है कि अगर आप कंसिडर करें, आप इस तरीके से सोचें कि भाई एक जो स्टैंडर्ड साइज बॉटल होती है ना OGX की वो आपको आराम से 3.5 से 4 महीने निकाल देती है, तो अगर आप उसके आप मंथली में डिवाइड करें तो इट बिकम्स क्वाइट अफोर्डेबल। और अगेन ये एक शेक बोल रहा है तो मैं कुछ तो सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने एक और शैम्पू ट्राई किया जिसका मुझे पता चला था अपने दोस्त के थ्रू, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने SLS फ्री शैम्पू यूज़ किए थे ना वो काफ़ी महंगे और काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मुझे कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए था कि यार किसी को भी कुछ बजट फ्रेंडली चाहिए, कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसके लिए क्या सीन होगा। तो आई ट्राइड द नीकोस का हर्बल शैम्पू और ये अराउंड 250-350 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है, ऑनलाइन ही मिल जाता है और इनकी नीकोस की शॉप पर भी मिल जाता है। और ऑनेस्टली बोलूँ फॉर द प्राइस आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग शैम्पू। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सनाज बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताओ क्या सीन है क्या सेटअप है, तो दिस इज नॉट द मोस्ट अमेजिंग शैम्पू दैट आई हैव यूज्ड। मतलब एक मैं बता देता हूँ क्यों, वॉश करते हुए जो सीन है ना इसका, यार मुझे उतना मज़ा नहीं आता वॉश करते हुए, ये मतलब झाग बहुत ही कम बनाता है झाग। इससे पहले मैंने SLS शैम्पू यूज़ किए हुए, मुझे पता है झाग कम होती है लेकिन इतनी कम नहीं होती। खैर दैट समथिंग एल्स। पोस्ट वॉश के बाद शैम्पू निकालने के बाद मेरे बालों में से फ्रिजीनेस कम होती है कम्पेयर टू रेगुलर शैम्पू, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने दूसरे शैम्पू यूज़ किए हुए आई थिंक आई एम अ लिटिल स्पॉइल्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी फ्रिजीनेस नहीं गई, मेरे बाल उतने सॉफ्ट नहीं हुए, उतना मुझे मज़ा नहीं आता। बट दिस इज़ मी अगेन फॉर द प्राइस दिस इज़ एन अमेजिंग शैम्पू। और अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं कि यार SLS फ्री शैम्पू रेगुलर शैम्पू के अलावा आप कुछ चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहली बार 1500 करते हुए 2000 करते हुए दिल में कुछ कुछ हो रहा होता है, उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, इस एक्सपीरियंस में घुसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनके बालों पर कैसा इफेक्ट होता है। इससे पहले आप बोलें कि सनान आपने तो बस ऐसे ही बता दिया ये वो वगैरह, मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए हैं लेकिन दीज आर माई टॉप 3 शैम्पू जिनको मैं रैंक करूँगा, इसके अलावा मैंने यूज़ किया बट मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया था, या कोई ना कोई ऊपर नीचे मसला था, आइदर दे वर टू एक्सपेंसिव फॉर द क्वालिटी देवर ऑफरिंग या कुछ ना कुछ इशू था। तो मैंने इसलिए बोला कि जो बेस्ट शैम्पूज प्राइस के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, फील के लिहाज से, बालों की हेल्थ के लिहाज से मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसमें भी रैंकिंग कर दूँ तो आई थिंक सबसे टॉप में मेरे लिए होगा OGX शैम्पूज, उसके बाद आप कर लेते हैं फॉर द प्राइस, जस्ट फॉर द प्राइस नीकोस का शैम्पू भी, और द प्राइस आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग शैम्पू, और उसके बाद आई थिंक द लास्ट
आर्गन ऑयल का शैम्पू था, मुझे नहीं पता कि अब ये मार्केट में अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मुझे कहीं भी मिल गया तो मैं नीचे लिंक वगैरह डाल दूँ। मेरे ख्याल से मैंने अपने उन भाइयों को तो कुछ कर दिया जो मुझे काफ़ी टाइम से बोलते थे कि सनान प्लीज सल्फेट फ्री शैम्पू के बारे में बताओ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, क्या करें, तो मैंने सब बता दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। मुझे जिन जिन के जो लिंक्स मिलेंगे मैं नीचे वो भी डाल दूंगा। अगर कुछ मिस हो गया, कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स में बताओ, आपको आगे क्या देखना है, आगे क्या कॉन्टेंट चाहिए उसका भी यार मुझे बताओ, इंस्टाग्राम डीएम्स पे, कमेंट्स पे, कहीं भी, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। और अब मुझे जा दे दो क्योंकि अब यहाँ से जाऊंगा तो कुछ और भी तो करेंगे ना हम। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर बी सोफिस्टिकेटेड।